नमस्कार प्रोग्रामर्स, उम्मीद है आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज तारीख है 10/10/20 और अभी भी महामारी का समय चल रहा है, सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी एक पाइथन का जो कोर्स है उसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके बारे में हम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, और ये पहला वीडियो होगा जिससे कि हम स्टार्ट करेंगे और पाइथन पूरा कंप्लीट सीखेंगे। सो जैसे कि आप चैनल पर देख रहे हैं, ये पहला, जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे, ऑनलाइन पाइथन क्लास हिंदी वीडियोस, ये है प्लेलिस्ट। इस पर क्लिक करते ही जो सेकंड पेज है, यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट टैब में इसको ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैं सिंपली आपको ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप पाइथन शुरू करके कैसे कंप्लीट करेंगे, और इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से आपको कोई कोचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट कि ये आप अपने आप में एक सफिशियंट कंटेंट है जो कि आपको पाइथन पूरा कंप्लीट सिखाएगा। और मैं पेशे से ट्रेनर हूँ पाइथन में, मैं पिछले 3+ साल से वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर वही सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से शायद एजुकेशन ले पाने में सक्षम नहीं है, तो उन लोगों के लिए खास कर करके ये जो है मददगार होगा। मैं सिंपली हर एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताया हुआ हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हर एक वीडियो की लेंथ मैं मिनिमम टू मिनिमम आधे घंटे तो है ही है। दैट मीन्स कि ये कोई ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे पॉइंट्स हम कवर करके आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, हर एक पाइथन के स्पेसिफिक टॉपिक को हम पकड़ के उसमें कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे तो सबसे पहले जो वीडियो था, अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये होगा 1.1, और इसके बाद में 1.2 होगा ये वाला वीडियो। इसी तरीके से आगे जो भी कुछ, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाता है या कुछ भी होता है, तो मैं उसको इसी तरीके से इसमें इंक्लूड कर दिया करूँगा। सो इसके बाद में आप सिस्टम सेटअप के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, फिर राइट वे ऑफ इंटेंटेशन और बाकी सारी चीज़ें, ये सब कुछ बेसिक पाइथन बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा साथ में ख़त्म होगा। और इसके बाद में फिर हम डेटाबेस का भी यूज करेंगे यहीं पर। आपको अगर थोड़ा सा और नीचे आएंगे फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के बाद में, यहाँ से स्टार्ट होता है 26 से MySQL डेटाबेस। दैट मीन्स कि ये पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुकी है, और ये पहला वीडियो जो ये बन रहा है ये इंट्रोडक्शन के लिए है कि आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट पाइथन बेसिक एडवांस अच्छे से सीख सकते हैं, और आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यस ऑफकोर्स, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनल ट्यूटर किसी को भी खोज सकते हैं और उससे ट्रेनिंग ले सकते हैं। यस, आगे चल के मेरा भी ये प्लान है कि इन केस जैसे कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कि एनी हाउ एक पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत पड़े, तो मैंने अभी तो प्लान नहीं किया, लेकिन आगे चल के मैं यहाँ पर चैनल पे ही अपने डिटेल्स यहाँ पर शो ऑन कर दूंगा, सो दैट कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे लिंक्डइन पे बात कर सकते हैं, या फिर आप ट्विटर पे भी बात कर सकते हैं। वैसे लिंक्डइन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कि कंपनियाँ भी मिलती हैं और जो स्किल्स एम्प्लॉयज़ होते हैं या फ्रेशर या एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो सब लोग लिंक्डइन पे मिलते हैं। दैट मीन्स कि वो प्रोफेशनल्स लोगों का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हो, कंपनी के एचआर से बात कर सकते हो, या आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए आप किसी को हायर करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, आप मुझसे वहाँ पर क्वेश्चन आकर पूछ सकते हैं। तो ये पूरी प्लेलिस्ट जो है, यहाँ पर पाइथन बेसिक एडवांस और डेटाबेस तीनों चीज़ें मिलेंगी आपको, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करके सीख सकते हैं। साथ में इसके बाद में अगर आपको डाउट होता है कि क्या करना है, देन अगर इन केस आपका कंसर्न इसके बाद में होता है कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है पाइथन के थ्रू, तो आप जेंगो फ्रेमवर्क के बारे में यहां से पढ़ सकते हैं। ये भी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप पाइथन में क्या कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो अभी मैं नमपाई लाइब्रेरी यहाँ पर कंप्लीट किया हूँ, आप नमपाई लाइब्रेरी इसके बाद में पढ़ सकते हैं। जब आप पाइथन में अपने आप को कंप्लीटली कॉन्फिडेंट समझने लगेंगे, उसके बाद में आप कोशिश करिएगा कि आप पाइथन की लाइब्रेरी में आइएगा, नमपाई लाइब्रेरी, और इसको भी कंप्लीट करिएगा। क्योंकि जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे पाइथन के बाद में डेटा साइंस में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, मशीन लर्निंग सीखनी है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आपको समय समय पे मिल रहे हैं, तो असल में ये सब कुछ पाइथन की लाइब्रेरियों पे डिपेंडेंट वर्क है।
अगर कोई आपको कहता है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्किंग, तो ये सब कुछ असल में पाइथन की लाइब्रेरीज हैं। और उनमें सबसे पहले लाइब्रेरी जो है वो है NumPy। इसीलिए अगर आप पाइथन में अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लेते हैं, एक बार आपको पाइथन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है, उसमें कॉन्फिडेंट होते हैं, देन आप NumPy लाइब्रेरी का यहाँ से पूरा ट्यूटोरियल कवर अप कर सकते हैं। इसके साथ में पहली चीज़ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है किसी भी वीडियो में, तो आप तुरंत वहाँ पे कमेंट करिए, मैं इस पे अवेलेबल रहता हूँ। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूँगा मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। साथ में एक और फैक्टर, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ 10 तारीख को, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा कवर अप हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी जो बचे हुए इसके वीडियोज़ हैं वो मैं इसमें टाइमली अपडेट करता रहूँगा। साथ में जब आप सेटअप पे जाएंगे तो सेटअप पे एक खास इन्फॉर्मेशन है कि पाइथन का 3.9 वर्जन इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो ये मैंने पाइथन की वेबसाइट खोल रखी है, इसमें मुझे जो आपको बताना है वो ये है कि पाइथन 3.9 जो है ये विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम जो मिलता है उस पर सपोर्ट बंद कर चुका है। हालांकि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने खुद ने विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसी भी तरीके का सपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है, और वही सेम काम हुआ है पाइथन 3.9 वर्जन में। तो अभी आप जब जाओगे, जैसे कि आप जब ये पहला वीडियो देखने के बाद में, यानी इस वीडियो के बाद में आप ये देखोगे, इसके बाद में जब इस एनवायरनमेंट सेटअप वाले वीडियो को देखोगे, तो उसमें मैंने डाउनलोड जो किया था वो किया था पाइथन 3.8 वर्जन। तो अभी अगर आप पाइथन 3.9 वर्जन को डाउनलोड करोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसको आप सिस्टम जो है विंडोज़ 10 में ही इंस्टॉल करो। अदरवाइज़ अगर आपको पुराना वर्जन डाउनलोड करना होगा तो यहाँ नीचे आपको दिख रहा है व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड, इसको क्लिक करके आप पूरी लिस्ट में चले जाना, इनकेस अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 है तो, क्योंकि विंडोज़ 10 के अलावा 3.9 कहीं और नहीं चलेगा विंडोज़ में। तो ये एक खास चीज़ आप ध्यान रखना कि इसके लिए जैसे यहाँ पर जब आप यहाँ पर आओगे और यहाँ से क्लिक करोगे व्यू फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड, तो यहाँ पर आपको अलग अलग वर्जन मिल जा रहे हैं, तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से डाउनलोड करना कैसे, नीचे आपको दिख रहा है 3.9, 3.8.6, जो इनका लास्ट वर्जन था 3.8 का वो था 3.8.6, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डाउनलोड से रिलेटेड सारा कंसर्न जो है वो आपको इस वीडियो में मिल ही जाएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि जब भी मेजर चेंज होता है, जैसे पाइथन ने एक मेजर चेंज किया है, इनका इन्होंने एकदम फ्रेश नया वर्जन दे दिया है 3.9, तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आप जब सिस्टम सेटअप कर रहे हो तो विंडोज़ 10 है तभी 3.9 वर्जन को इंस्टॉल करना, अदरवाइज़ विंडोज़ 7 है या आप अभी XP यूज कर रहे हो तो 3.8 या 3.5 का ही कोशिश करना कि उनको इंस्टॉल करना। तो ये सारी बात रही, आप स्टार्ट करिए इसको। साथ में मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप कोडिंग करते रहो, बेस्ट रहो, और जाते जाते आपको पूरा का पूरा टॉपिक और पाइथन साथ में आगे के कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इतना ही आपकी तरफ से मुझे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए है कि आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। साथ में एक चीज़ और, अगर आप फ्रेंड्स हैं, दो चार लोग साथ में वर्क कर रहे हैं, सो दैट कोशिश करिए कि आप इन्हीं वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और साथ में आप डेवलपमेंट करिए, सो दैट कि आपका इंटरेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ के पाइथन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका एक डेडिकेशन तो है कि आप पाइथन करना चाह रहे हैं और आप यहाँ पर आए हैं। दूसरा कि अगर आप दो तीन दोस्त मिलकर अगर वर्क कर रहे हैं, सो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका डेडिकेशन और एक लेवल पे जाएगा। जैसे कि जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो मैं इसमें प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा, जिसको कि आप खुद से बनाओगे, और उस प्रोजेक्ट को फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। लेकिन जब ये पूरा पाइथन का कोर्स ख़त्म होगा तो एट द लास्ट मैं एक प्रोजेक्ट डिस्कशन करूंगा, जिसको कि आप खुद से बनाओगे। पहले कोशिश करना पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने की, इनकेस अगर वो नहीं होता है फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर, यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, नीचे आते हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे पाइथन के प्रोजेक्ट हैं। यस, PHP यहाँ पे मैंने एक इंक्लूड कर रखा है। यहाँ पे मैं PHP नहीं पढ़ाऊंगा, ये पूरा का पूरा चैनल जो है हे सुशील का, यहाँ पर केवल और केवल आपको पाइथन से रिलेटेड ही कोडिंग मिलेगी। पाइथन हमारा बेसिक एडवांस डेटाबेस, ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद में हम अलग अलग लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, हम अलग अलग फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पाइथन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारी शुरुआत जो है वो हो रही है पहले तो पाइथन के बेसिक से। तो बेस्ट ऑफ लक सीखने के लिए, उम्मीद है कि आप इन सारे कंटेंट से एक अच्छा आउटपुट निकालेंगे। तो गुड लक,
ट्राई करिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।